हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता शर्मा। आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार्य फाइन होम्स में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाहर से सीढ़ियों वाला विला जो कि 4 BHK रहने वाला है। एक बार आप इसका एलिवेशन वर्क देख लीजिए, बहुत ही शानदार एलिवेशन के साथ में रहेगा। साथ ही दोस्तों, इस घर में आपको बहुत ही अच्छा इंटीरियर वर्क भी देखने को मिलेगा। बहुत ही प्यारे तरीके से इसको डेकोरेट किया है, डिज़ाइन किया गया है। लोकेशन की बात करूँ तो मेन कालवा रोड से मात्र 300 मीटर के डिस्टेंस पर ही आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। आसपास का सराउंडिंग आप देखिए, ये जो प्रोजेक्ट अवेलेबल है एक गेटन टाउनशिप के अंदर है। इसमें आपको एक गेट मिल जाता है, ये बंद हो जाने के बाद ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। आपके बच्चे भी इजीली यहाँ पर सेफली खेल सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे विला के सामने आपको पार्किंग के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। इसी के बिल्कुल पास में ही पूरा कमर्शियल मार्केट आपको मिल जाएगा, तो आपको कहीं भी दूर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो अभी हमारे पास इन सभी विलाज में से एक यूनिट अवेलेबल है दोस्तों, जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे एलिवेशन वर्क के साथ में रहेगा। ये हमारे विला का बम एरिया हो जाता है। साइज़ की बात करूँ तो 98 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ है। 19.5x45 का डायमेंशन रहेगा। JDA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, इजी लोनेबल है और प्राइस भी दोस्तों काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में रहने वाला है। मात्र 75 लाख में आपको मिल रहा है 4 BHK हाउस। तो इसका एलिवेशन बहुत ही खूबसूरत रहेगा। टेक्सचर वर्क इसके वॉल्स पर आपको मिल जाता है। साथ ही विला के बाहर आप देख सकते हैं पूरा गार्डनिंग एरिया आपको मिल जाता है, बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर इस तरीके से प्लांटेशन किया गया है। और ये आ जाती है हमारी विला की मेन एंट्रेंस। तो मेन एंट्रेंस पर आप देखिए आयरन हैवी डोर आपको मिल जाएगा बहुत ही प्यारे डिज़ाइन के साथ में। और यहाँ से एंटर करते ही काफ़ी स्पेशियस आपको पोर्च एरिया यहाँ पर मिल जाता है। ये हो जाता है 8x12 के डायमेंशन में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको 4 BHK मिल रहा है, यानी कि नीचे के फ्लोर पर आपको एक बेडरूम और एक ड्राइंग रूम मिल जाता है जो कि काफ़ी स्पेशियस रहेगा। और बाहर से सीढ़ियाँ होने की वजह से ये जो प्रोजेक्ट है आपके लिए रेंटल, रेजिडेंशियल और इन्वेस्टमेंट तीनों ही पर्पज़ से बिल्कुल बेस्ट होने वाला है। और बाहर से भी सीढ़ियाँ हैं और ऊपर के फ्लोर पर भी आपको 2 बेडरूम, किचन, हॉल मिल जाता है, तो ईजिली आप इसे रेंट आउट कर सकते हैं। वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो वाटर के लिए आपको यहाँ पर वाटर टैंक की फैसिलिटी भी मिल जाती है, साथ ही में आपको बोरवेल की फैसिलिटी भी मिल जाती है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक गैलरी मिल जाती है, आप चाहें तो यहाँ पर भी इस तरीके से फ्लावर पॉट रख सकते हैं। और एक एंट्रेंस आपको मिल जाती है आपके ड्राइंग रूम से और यहाँ पर हो जाती है हमारी मेन एंट्रेंस। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेन एंट्रेंस पर काफ़ी वाइड विंडो आपको मिल रही है ग्लास वर्क के साथ में। ये हमारी आउटर स्टेयर्स हो जाती है। स्टेयर्स पर भी आप देखिए फुट लैम्प यहाँ पर लगाए गए हैं। तो यहाँ से आ जाएगी हमारे विला की मेन एंट्रेंस। एंट्रेंस पर आपको काफ़ी हैवी वुडन डोर मिल जाता है और एंटर करते ही काफ़ी स्पेशियस लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस आपको मिल जाएगा जो कि हो जाता है 12x13 के डायमेंशन में। वर्क आप देखिए बहुत ही खूबसूरत वर्क किया गया है। साइड वॉल पर यहाँ वॉलपेपर वर्क आपको मिल जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पर आपको एक एरिया मिल जाता है, वॉश बेसन आप यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर आप इजीली 6-7 सीटर सोफ़ा प्लेस कर सकते हैं। और इसी के जस्ट सामने आपको मिल जाता है एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से LED पैनल, फुल वुडन वर्क में रहेगा सनमाइका के साथ में। इसी के बिल्कुल पास में यहाँ पर आपको एक कॉमन वॉशरूम मिल जाता है जो कि इंडियन वॉशरूम रहेगा। इसके बिल्कुल पास ही हमें मिल रहा है एक ड्राइंग रूम। तो यहाँ पे डोर हो जाता है, बिल्कुल सेपरेट रहेगा, आप चाहें तो इसे बेडरूम भी बना सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है, 11x12 के डायमेंशन में हो जाएगा। यहाँ पर विंडो आपको मिल जाती है, साथ ही में यहाँ पर हो जाता है वॉलपेपर का वर्क। AC के लिए भी फिटिंग आपको मिल रही है और सीलिंग में थीम वर्क के साथ में आपको मिल जाती है फॉल सीलिंग। आप लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस की सीलिंग का वर्क देखिए, काफ़ी यूनिक वर्क आपको मिल रहा है थीम लाइट के साथ में और फैंसी फैन भी इसमें लगाया गया है। तो यहाँ आ जाती है हमारी किचन। किचन की एंट्रेंस देखिए दोस्तों आप एक बार, बहुत ही प्यारी एंट्रेंस इसकी रखी गई है। फुल वुडन वर्क इसमें रहेगा, शेल्फ के डिज़ाइन है, इस तरीके से आपको आर्टिफिशियल ग्रास का वर्क मिल रहा है और काफ़ी वाइड किचन हमारी हो जाएगी। तो किचन हमारी हो जाती है 8x9 के डायमेंशन में। काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल रहा है। एल शेप में हमारा काउंटर टॉप रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारा वेट एरिया, साथ ही में आपको प्रॉपर स्टोरेज मिल जाता है ऊपर भी और नीचे काफ़ी सारे ड्रॉर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको विंडो मिल जाती है फुल वेंटिलेशन के लिए, तो काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन बना रहेगा। और यहाँ आपको स्पेस मिल जाता है आपके फ्रिज के लिए। तो ये हो जाती है हमारी किचन। इसी के बिल्कुल पास में आपको मिल जाता है एक बेडरूम, तो ये हमारा सेकंड बेडरूम हो जाएगा।
11x12 के डायमेंशन में रहेगा। देखिए काफी स्पेशियस है, सीलिंग का डिजाइन बिल्कुल डिफरेंट है, हर एक स्पेस में डिफरेंट सीलिंग डिजाइन मिल जाता है। साइड वॉल पर फ्लावरी डिजाइन में वॉलपेपर का वर्क किया गया है और यहाँ पर इस रूम में भी आपको एक अटैच वॉशरूम मिल जाता है। साथ ही इसके बिल्कुल पास में रहेगी आपकी वार्डरोब, तो स्टोरेज भी प्रॉपर इसमें बना रहेगा। वेंटिलेशन की बात करें तो यहाँ आपको एक गैलरी मिल जाती है, ये देखिए काफी स्पेशियस गैलरी है। आप चाहें तो इसे वॉशिंग एरिया भी बना सकते हैं, यहाँ से वेंटिलेशन भी प्रॉपर बना रहेगा। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस में दिखाए गए घरों के डिज़ाइंस काफ़ी पसंद आते हैं और अगर आप भी अपने लिए घर बनवा रहे हैं और एक अच्छी प्रॉपर डिज़ाइन में घर बनवाना चाहते हैं, तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड A to Z सर्विसेज के लिए आप JKS आर्किटेक्ट्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके कांटेक्ट नंबर और बाकी डिटेल्स आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जा करके आप इन्हें कॉल कर सकते हैं और साथ ही काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको इनकी सारी सर्विसेज अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये हो जाता है हमारा ग्राउंड फ्लोर, अभी चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर। तो प्राइस एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ, मात्र 75 लाख में आपको ये विला एज इट इज़ मिलने वाला है। 4 BHK JD अप्रूव्ड रहेगा, साथ ही कनेक्टिविटी काफ़ी प्यारी है। मेन कालवा रोड से मात्र 300 मीटर के डिस्टेंस पर आपको मिल जाता है, गोकुलपुरा में ये लोकेटेड है। ज़रूरत की सारी चीज़ें आपको इस घर में मिलने वाली है। तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पर, बाहर से इसकी सीढ़ियाँ आपको मिल जाती हैं। दोस्तों ये आ जाता है हमारा फर्स्ट फ्लोर, रूफ पर जाने के लिए भी आपकी जो स्टेयर्स है आउटर ही हो जाती है, तो आराम से कोई भी एक्सेस कर सकता है। और यहाँ पर आ जाता है हमारा फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पर भी आपको वाइट विंडो मिल जाएगी, प्लस आपको यहाँ पर वुडन डोर मिल जाता है। और एंटर करते ही सेम आपको काफ़ी स्पेशियस लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस मिल जाएगा। नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है सेम एज इट इज़ ही फर्स्ट फ्लोर पर बनाया गया है, तो स्पेस की कहीं भी कोई कमी आपको नज़र नहीं आएगी। इसी के साथ हमारा सारा पैसा वसूल होता है क्योंकि इसमें ज़रूरत की सारी चीज़ें ऐड की गई है, तो हमें एक भी एक्स्ट्रा पैसा लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो लिविंग स्पेस आप देख सकते हैं वही 12x13 के डायमेंशन में रहेगा, काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर आप सोफ़ा लगा सकते हैं। साथ ही इसका सीलिंग डिज़ाइन है बहुत ही प्यारे डिज़ाइन में रहेगा। सोफ़ा के बिल्कुल सामने यहाँ पर आपको मिल जाता है LED पैनल और इसी के बिल्कुल पास में आ जाता है हमारा कॉमन वॉशरूम, जो कि इंडियन वॉशरूम हो जाता है। एक बार देख लीजिए इस तरीके से टाइल वर्क इसमें प्रॉपर क्या है, स्पेस और वेंटिलेशन प्रॉपर इसमें बना हुआ है। इसी के बिल्कुल पास यहाँ हमें मिल जाता है एक बेडरूम जो कि काफ़ी स्पेशियस है, प्लस इसमें बालकनी भी आपको मिल जाती है। तो ये हो जाता है 11x12 के डायमेंशन में। साइड वॉल पर आपको मिल जाता है वॉलपेपर का वर्क, AC के लिए फिटिंग आपको मिल रही है, फॉल सीलिंग आपको बहुत ही प्यारा मिल जाता है, यहाँ आपको विंडो भी मिल जाती है और इसके साथ साथ में बालकनी भी मिल जाती है। तो यहाँ से आप देखिए बालकनी से काफ़ी प्यारा लुक आपको मिल जाता है। आसपास का जो सराउंडिंग है काफ़ी रेजिडेंशियल है, आप देख सकते हैं पूरा आपको यहाँ पर कमर्शियल मार्केट मिल जाएगा, तो आपको कहीं भी ज़्यादा दूर जाने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यहाँ पर CNC कटिंग जाली का वर्क है जो कि आपके एलिवेशन को और भी ब्यूटीफुल बना देता है। तो ये हो जाता है हमारा थर्ड बेडरूम, अभी देख लेते हैं हमारा फोर्थ बेडरूम। इससे पहले मैं आपको हमारी किचन दिखा देती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं किचन का एंट्रेंस, बहुत ही खूबसूरत एंट्रेंस वर्क आपको यहाँ पर मिल जाएगा, टफन ग्लास का भी यूज़ किया है। यहाँ पर हो जाता है आपका वॉश बेसन एरिया, 8x9 के डायमेंशन में रहेगी हमारी किचन और यहाँ पर आपको मिल जाता है एल शेप में काउंटर टॉप, साथ ही में वेंटिलेशन यहाँ से प्रॉपर बना हुआ रहेगा, स्टोरेज भी आपको प्रॉपर इसमें मिल जाता है। सीलिंग का डिज़ाइन आप देख सकते हैं थीम लाइट के साथ में मिल जाती है फॉल सीलिंग और इसी के बिल्कुल पास आ जाता है हमारा फोर्थ बेडरूम। 11x12 के डायमेंशन में हो जाएगा दोस्तों ये बेडरूम भी, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फ्लावरी डिज़ाइन में आपको वॉलपेपर वर्क मिल जाता है। सीलिंग का डिज़ाइन आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारा रहेगा और यहाँ पर आ जाती है हमारी वार्डरोब्स, इसके बिल्कुल पास में आ जाता है हमारा अटैच वॉशरूम। आप देखिए काफ़ी स्पेशियस है, बहुत ही अच्छा वेंटिलेशन भी इसमें बना रहेगा, टाइल वर्क भी प्रॉपर किया गया है और साथ ही में वेंटिलेशन और भी अच्छा बनेगा जब यहाँ आपको मिल रही है गैलरी। हर रूम में आपको प्रॉपर गैलरी और बालकनी मिल जाती है, तो यहाँ से वेंटिलेशन आपके घर में प्रॉपर बना रहेगा, वेंटिलेशन की भी कोई कमी नहीं आएगी।
वुडन डोर आपको मिल जाता है, वॉशिंग एरिया आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा 4 BHK डुप्लेक्स विला। आई होप आपको ये विला पसंद आया होगा, आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ में दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।